गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली कक्षा में आपने काव्य खंड के अंतर्गत काव्यांजलि के दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मानव शीर्षक का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ काव्यांश पढ़ा था। आज आप लोग उससे आगे का काव्यांश पढ़ेंगे। पिछले उसमें आपने पढ़ा था कि कैसे आज के मनुष्य ने जो है प्रकृति पर अपना कब्जा कर लिया है, अर्थात अपनी विजय प्राप्त कर ली है। अब इससे आगे इस काव्यांश में आप पढ़ेंगे कि मनुष्य पृथ्वी के संपूर्ण रहस्यों को जान लेने का, सब पृथ्वी के रहस्यों को सब पूरी तरह से उसने जान लिया है। अब कुछ भी जानने के लिए नया शेष नहीं रह गया। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। दिनकर जी कहते हैं कि मनुष्य की ये पृथ्वी जो है मनुष्य के लिए सुपरीक्षिता हो गई है। इस पृथ्वी पर जितने भी प्रयोग होने थे वो सब उस मनुष्य ने प्रयोग कर लिए हैं। कोई भी नया प्रयोग करने को तथ्य बाकी नहीं रह गया है। अब आज के मानव के लिए यह पृथ्वी उसी तरह से स्वाद विहीन हो गई है जैसे भोजन स्वादहीन हो जाता है। जैसे वही भोजन लगातार करते रहने से वो स्वादहीन हो जाता है, अतः उस भोजन को करने की इच्छा दोबारा नहीं रह जाती है। उसी तरह से ये पृथ्वी भी आज के मनुष्य के लिए स्वादहीन हो गई है। ये पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, ये पढ़ी हुई अर्थात जिस पर सारे प्रयोग कर लिए गए हैं, सब कुछ पढ़ लिया है, जान लिया है जिसके विषय में, वो अब जो है उसके प्रति, अच्छा उस पृथ्वी में कोई आकर्षण व्यक्ति का नहीं बचा है, मनुष्य का कोई आकर्षण नहीं रह गया। पृथ्वी से संबंधित सारे रहस्यों को मनुष्य ने हासिल कर लिया है, जान लिया है। जिस प्रकार पुस्तक पढ़कर सभी उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और उसमें कुछ पढ़ने को बाकी नहीं रह जाता है, इसी तरह से पृथ्वी पर कुछ आगे नहीं रह गया है। एक लघु हस्तामलक यह भूमि मंडल गोल, यह भूमि गोल भूमि मंडल जो है एक छोटे हाथ में रखे हुए आंवले के समान मनुष्य के लिए हो गई है। मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके को, ये गोल पृथ्वी जो है, जो हस्तामलक है उसके, वो उस पुस्तक के समान है जिसके सारे प्रश्न पढ़ लिए गए हैं, जान लिए गए हैं, अर्थात मनुष्य के लिए अब कुछ
इस पृथ्वी पर आगे नहीं रह गया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। इस काव्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अपनी बुद्धि के बल से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और आज भी वह ज्ञान प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्यम, मनुष्य की जो बुद्धि है वो सदैव गतिशील है, उद्यम है, प्रचंड है, जिज्ञासु है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। उसकी बुद्धि जो है, मनुष्य की जो बुद्धि है वो एक पल भी विश्राम करने के लिए तैयार नहीं है, वो रुकना नहीं जानती है। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नहीं। ये परीक्षित भूमि अर्थात ऐसी भूमि जिसकी परीक्षा पूरी तरह से हो गई है, जिस भूमि से संबंधित जितनी बातें हैं वो सब जान ली गई है। ये पोथी ऐसी पोथी हो गई है, ऐसी पुस्तक हो गई है जो पढ़ ली गई है। प्राचीन सोचने को दे अब, ये प्राचीन हो गई है, पुरानी हो गई है ये पुस्तक, पृथ्वी रूपी पुस्तक जो है ये प्राचीन हो गई है, पुरानी हो गई है, अब इसमें जानने के लिए कुछ नया नहीं रह गया है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नहीं। मनुष्य को जानने के लिए नया तथ्य, नया नई वस्तु कौन दे, जिसको वो, जिस पर वो अपना अनुसंधान करे। ये लघु ग्रह, भूमंडल, व्योम, ये संकीर्ण, ये छोटे छोटे ग्रह भूमि के मंडल पर, ये जो है छोटे छोटे ग्रह हैं, और अब ये छोटा छोटा ग्रह रह गया है, और व्योम ये संकीर्ण, और जो ये विस्तृत आकाश है वो भी, अब आकाश भी संकीर्ण हो गया है, वो संकुचित हो गया है। अतः भूमि और आकाश से संबंधित सारी जानकारियां मनुष्य को हो गई हैं। अब अनुसंधान करने के लिए कोई भी सामग्री, वस्तु नहीं रह गई है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। अब मनुष्य को नया क्षेत्र चाहिए, व्यापक संसार चाहिए। विस्तृत संसार की खोज है। ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ बच्चों आपके इस काव्यांश का। इसकी विस्तृत व्याख्या देखिए। दिनकर जी कहते हैं कि मानव की बुद्धि सदैव बहुत तेजी से चलती रहती है, वह एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती है और एक पल भी वो विश्राम नहीं करती है। मानव के सामने अब समस्या ये है कि वो अपने कदम किस ओर बढ़ाए और किस नवीन दिशा की ओर उन्मुख हो। मानव ने धरती की पुस्तक को भली भांति पढ़ लिया है, अब उसके लिए ये पुरानी हो गई है, अब उसके चिंतन के लिए कोई भी नई बात शेष नहीं रह गई है। यह संपूर्ण भूमंडल उसके लिए छोटा सा ग्रह बन गया है। यह विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ सा गया है, संकुचित सा हो गया है। अब तो मानव के लिए कोई नया क्षेत्र
चाहिए। वो चाहता है कि उसे कोई नया व्यापक संसार मिले जिस पर वो अपना अपनी खोज जारी कर सके। अगला काव्यांश देखें बच्चों। यहां मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे। पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस यही, वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। इस काव्यांश में दिनकर जी ने यह स्पष्ट किया है कि मानव ने अपनी बुद्धि के बल पर सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अर्थात इस पृथ्वी पर मानव से ज्यादा कोई भी ज्ञानवान प्राणी नहीं है। इस काव्यांश का शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों। यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश। दिनकर जी कहते हैं कि ब्रह्मांड का मनुष्य जो है, इस ब्रह्मांड का सुंदर प्रकाश है। इससे कुछ छिपा सकते ना जिससे भूमि या आकाश। भूमि या आकाश जो है जिससे कुछ छिपा नहीं सकते हैं। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, जानने की जो शिखा है, मनुष्य की जो जानने की शिखा है, लव है, वो उद्दाम है, प्रकृष्ट रूप से प्रज्वलित है। कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, चर और अचर जिसको श्रद्धा से नमन करते हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। इस सृष्टि का जो श्रृंगार है वो मनुष्य ही है। ये ज्ञान का विज्ञान का अथाह सागर है, अथाह आगार है, अथाह खान है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे गए है। आकाश से पाताल तक सब कुछ इस आधुनिक मानव को सब पता है, सब ज्ञात है। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य की जीत। फिर दिनकर जी कहते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें उसका कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं है, कोई बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि नहीं है। उसकी उपलब्धि तो बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत है, चैतन्य हृदय की जीत है। बुद्धि पर, बुद्धि को पर, बुद्धि को अपने काबू में कर लिया, बुद्धि को अपना दास बना ले, तभी उसकी जीत है, चैतन्य और की जीत है। चेतना से युक्त, चैतन्य का मतलब चेतना से युक्त
उर की जीत, हृदय की जीत है। अर्थात बुद्धि पर चेतनता, चैतन्य युक्त हृदय की जीत, अर्थात हृदय से कुछ सोचे, कुछ विचारे। श्रेय मानव की असीमित मानव से प्रीति है। मानव का मानव के प्रति, एक हृदय का दूसरे हृदय के प्रति मिलन जो है, जो प्रीति है, वही श्रेष्ठ कर है, वही श्रेष्ठ है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीति है। असीमित मानवों के प्रति जो प्रेम है वही उसकी श्रेयता है, वही उसकी श्रेष्ठता है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक मनुष्य से दूसरे के बीच का जो व्यवधान है, जो रुकावट है, उसको तोड़ दे। जो तोड़ दे वही ज्ञानी, वही विद्वान, मानव भी वही है, सच्चा मानव भी वही है, जो मनुष्य से मनुष्य के बीच के बीच की जो दूरी है, जो व्यवधान है, उसको दूर कर दे। और मानव हर मानव के प्रति प्रेम में व्यवहार करे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखे, इसी में उसकी श्रेष्ठता निहित है। ये बात कवि दिनकर जी बताते हैं। अब इसकी संपूर्ण व्याख्या देखें एक बार। कविवर दिनकर जी कहते हैं, ये सत्य है कि मानव इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, अथवा अनुपम ज्ञान का भंडार है। विज्ञान से पूर्णतया परिचित हो चुका है। आकाश से पाताल तक जानने योग्य कोई रहस्य नहीं रह गया है जिसे उसने ज्ञात ना कर लिया हो। किंतु ना तो वह यह मानव का वास्तविक परिचय है और न इसमें उसकी महत्ता है, श्रेष्ठता है। मानव की महत्ता तो इसमें है कि वो अपनी बुद्धि की दासता से अपने को मुक्त कर ले और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। अर्थात वो बौद्धिक बल की अपेक्षा हार्दिक बल का प्रयोग करे। वो असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे। दिनकर जी सच्चे मानव की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वही मनुष्य ज्ञानी है, बुद्धिमान है, विद्वान है। सच्चे अर्थों में वही मानव है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बीच बढ़ी हुई दूरी को मिटा दे, वही मानव श्रेष्ठ है। अपने को एकाकी अकेला न मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अनुसरण करता है। अगला काव्यांश देखें बच्चों। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यादहार। इस अंतिम काव्यांश में दिनकर जी ने वैज्ञानिक प्रयोगों के प्रति मानव को सचेत किया है। वो कहते हैं, शाब्दिक अर्थ देखिए बच्चों, हे मनुष्य तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। कहते हैं कि ये यदि विज्ञान जो है तलवार है तो इसका मोह छोड़कर इसे इतनी दूर फेंक दे कि ये तुम्हारी यादों में भी ना रहे, स्मृति में भी ना रहे, स्मृति के उस पार इसको फेंक दे। हो चुका है सिद्ध,
है तू शिशु अभी अज्ञान, ये तो सिद्ध हो चुका है कि तुझे अभी इसके 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 प्रयोग अर्थात विज्ञान रूपी तलवार का के प्रयोग का ज्ञान तुझे नहीं है। तू अभी शिशु है, अज्ञानी शिशु है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, फूल और कांटों की पहचान तुझ में नहीं है। तुझे फूल और कांटे की पहचान करना अभी नहीं आता है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर तू खेल नहीं सकता है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी या धार, क्योंकि इसकी धार जो है बहुत ही पैनी है, बहुत ही तीखी है, बहुत ही तेज है, जिससे तेरा ही अंग कट जाएगा। प्रयोग करने पर तेरा ही अंग कट जाएगा। व्याख्या देखिए बच्चों, दिनकर जी कहते हैं कि विज्ञान ने व्यक्ति को नए नए तरह तरह के उपकरण दिए हैं, साधन दिए हैं, नवीन अस्त्र शस्त्र तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। साथ ही विज्ञान ने विनाश की परिस्थितियां भी उत्पन्न की है। यदि मानव विज्ञान के साधनों का दुरुपयोग करेगा तो वे ही कल्याणकारी साधन मानव के विनाश का कारण बन जाएंगे। इसीलिए अभिनव मानव को सावधान करते हुए दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तो विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेल रहा है। इस विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर तू इसे अपनी स्मृति से परे फेंक दे, अर्थात इसे अपने से इतना दूर कर दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाए, क्योंकि यह किसी भी समय तेरे लिए हिंसक या विनाशकारी हो सकती है। दिनकर जी कहते हैं कि हे मानव, तेरी क्रियाओं और विज्ञान के उपयोगी की पद्धति देखकर यह स्पष्ट हो चुका है कि इसके समक्ष तू अभी अबोध बालक है, शिशु है। तुझे फूल और कांटे की पहचान करना नहीं आता है। कांटों को फूल समझकर उनकी ओर तू आकर्षित होता है। इस विज्ञान रूपी तलवार की धार बहुत ही पैनी है, बहुत ही तेज है। अज्ञानी होने के कारण तू विज्ञान की इस तलवार को हाथ में लेकर के खेलने में समर्थ नहीं है। जरा सी भी असावधानी से तेरे ही अंग इससे कट सकते हैं। इस काव्यांश में कवि ने विज्ञान के विध्वंसात्मक रूप की निंदा की है। कवि का मानना है कि विज्ञान का प्रयोग पूर्ण विवेक के साथ होना चाहिए, क्योंकि यदि विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो ये उसके गलत प्रयोग से अभिशाप भी बन सकता है। बच्चों, आज आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।